तो फेल गेम फैमिली, जैसा आप लोगों ने लास्ट दो वीडियो में देखा कि कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, और इन केस आपने इस टूर्नामेंट का राउंड वन मिस कर दिया, यानी कि लास्ट दो वीडियोस मिस कर दिए, तो टेंशन नहीं, दोनों ही एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो उन दोनों को देख लेना। वैसे राउंड वन क्लियर करने के बाद इस टूर्नामेंट के जो राउंड टू के मैचेस है ना भाई साहब, क्या ही मैचेस है, ड्रू मैकएंटायर वर्सेस द रॉक, लेकिन इस मैच से ज्यादा खतरनाक मैच है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, और आज यही दोनों मैचेस होने वाले। तो आज के जो फर्स्ट मैच है ना ड्रू मैकएंटायर वर्सेस रॉक, इसके लिए मैंने बहुत सोचा किस मैच में ऐसी क्या स्टिपुलेशन रखी जाए जो कि राउंड वन में नहीं रखी थी। तो ऐसे तो मेरे पास ऑप्शन है हेल इन अ सेल एम्बुलेंस मैच, लेकिन हेल इन अ सेल में जानते हो ना कि चांसेस है कि मैच अटक सकता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों का मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच कर दिया है। तो ये नो होल्ड्स बार्ड भले ही सुनने में बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक एक्सट्रीम रूल्स मैच है जिसमें किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, काउंट आउट नहीं होगा, कोई भी वेपन्स यूज कर सकते हो और एक दूसरे को मार मार के एक दूसरे का भरता बना सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो द फाइनल बॉस और स्कॉटिश साइकोपैथ, चलिए देखते हैं कि इन दोनों के मैच में जीतकर कौन सा सुपरस्टार जाता है सेमीफिनाले मैच में। जो नेक्स्ट मैच में ना रेसलमेनिया का अरीना चेंज कर दिया जाएगा भाई, ये राउंड वन पूरा रेसलमेनिया के अरीना ही में चले जा रहा है। अब देखते हैं फाइनल बॉस सेमीफाइनल मैच तक, फाइनल मैच तक तो अभी देर है, लेकिन सेमीफाइनल मैच तक पहुंचते या नहीं। वैसे शुरुआत अच्छी करी है रॉक ने, रॉक का अटायर ना और नया वाला लाना होगा, ये शर्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन रॉक ने वो जो रेसलमेनिया का टायर पहना है ना, आई थिंक अभी तक आ ही गया होगा कम्युनिटी क्रिएशन में, नहीं वो वाला डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि 2K का तो जानते हो कि ये वाला जो रॉक का न्यू अटायर है वो ऑब्वियसली या तो नेक्स्ट ईयर आएगा या तो हो सकता है कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं भाई, 2K वाले लोग बहुत आलसी है, देख रहे हो ना, रॉक का अभी तक नया वाला टैटू तक नहीं बनाया, बल्कि कम्युनिटी क्रिएशन में मैं खोजूंगा ना, आराम से मिल जाएगा रॉक का नया वाला टैटू। ड्रू मैकएंटायर, जान रहे हो कि सीएम पंक ने दो बार बहुत गंदा गंदा कांड किया है, लेकिन इस मैच में आई थिंक सीएम पंक तो नहीं आने चाहिए, हाँ रॉक की तरफ से कोई आ गया तो अलग बात है भाई, ड्रू के साथ, लेकिन यार दो बार मनी इन द बैंक, ड्रू मैकएंटायर अब नेक्स्ट टाइम मनी इन द बैंक जिसके पास भी देखेंगे ना, प्लीज WWE को ऐसी स्टोरी लाइन बनानी चाहिए कि इस साल जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा ना, ड्रू मैकएंटायर उसको कूट के रख दे, जब मौका मिले उसको मारते रहे, भले ही वो ड्रू पे कैश इन करे नहीं करे, लेकिन ड्रू को इतना मारना, या हो सकता है कि ड्रू ही जीत जाए, क्या पता, अभी तो कुछ भी हो सकता है भाई। फिलहाल ड्रू ने थोड़ा बहुत अपना कमबैक कर लिया है, मुझे लग रहा था कि कंटिन्यूअसली फाइनल बॉस से मार खाते रहेंगे ड्रू मैकएंटायर, लेकिन ऐसा नहीं है, रॉक को भी मारना चालू किया, बॉडी बॉडी येलो नहीं की ड्रू, अब आई थिंक अब येलो हो जाएगी। इन दोनों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये एक नो होल्ड्स बार्ड मैच, हाँ ड्रू को याद आ गया, वेपन्स यूज कर सकते हो, रिंग के नीचे पता नहीं क्या क्या आइटम है, कुछ नहीं आ रहे, ये केंडो स्टिक, हाँ फेंको, कुछ नया आइटम निकालो, चप्पल, माइक, डस्टबिन, हॉकी स्टिक, मतलब हॉकी स्टिक तो फिर भी पुराना है लेकिन ठीक है, कैंडो स्टिक और चेयर से तो एटलीस्ट नया है ना। फाइनल बॉस अगर सेमीफाइनल मैच में पहुंचना है तो ड्रू मैकएंटायर की कुटाई रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे रॉक की ये जो एबिलिटी है इसका क्या है, मतलब इसे क्या होता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, 2K ने ये जो नई नई एबिलिटी दे दी है ना, और रोमन को रन इन दिया हुआ है, मुझे अभी तक नहीं समझ आया, रोमन रन इन यूज भी नहीं करते हैं अभी तक, आई थिंक मैंने सिर्फ लाइव में एक बार रोमन को रन इन यूज करते हुए देखा था। ड्रू की जो एबिलिटी है ना वो बड़ी सही है भाई, अगर सही टाइम पे ड्रू ने यूज करा तो वो अपना स्टंट मीटर खत्म करवा सकते हैं, समझ लो किसी सुपरस्टार ने फिनिशर या सिग्नेचर दिया और स्टंट कर दिया ड्रू को, या फिर नॉर्मली स्टंट कर दिया, तो ड्रू अपनी एबिलिटी यूज करके ना एक सेकेंड के अंदर अपना स्टंट मीटर खत्म करवा सकते हैं और वो खड़े हो जाएंगे फिर, तो ये एबिलिटी है ड्रू की। रॉक की एबिलिटी में पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा मुझे, दोनों की बॉडी ऑरेंज हो रखी है, देखो फॉल्स काउंट एनीवेयर नहीं है, तो रिंग के अंदर ही पिनफॉल सबमिशन हो सकता है। वैसे फॉल्स काउंट एनीवेयर से याद आया कि रोमन वर्सेस सीना जो होगा ना इसके बाद, उस पे फॉल्स काउंट एनीवेयर रख दिया जाएगा, हाँ ये भी ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि मैंने अभी तक नहीं रखी है। कि टूर्नामेंट में अभी तक 2K ने ना फिनिशर देने वाला सिस्टम नहीं बनाया, 2K टूर्नामेंट पे भी ध्यान दिया करो और इसमें भी ना नए नए फीचर्स ऐड करो कि मैं मैच को एडिट कर सकूं। जैसे बहुत लोगों ने बोला कि भाई टूर्नामेंट में फिनिशर क्यों नहीं दे देते हो, क्योंकि 2K ने ऑप्शन ही नहीं दिया है, मैं अपना मैच क्रिएट करके फिनिशर दे सकता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत है भाई, मैं भी 2K की तरह आलसी ही हूँ, थ्रू वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल हाथ से गया, अभी बॉडी भी लाल करवा ली, अगर इसी तरह चलते रहा ना तो सेमीफाइनल में फाइनल बॉस पहुंच जाएंगे। अभी चलो रेजिलेंस यूज नहीं करी है, ये क्या हो गया, ओ मेरा कंट्रोलर, अच्छा कोई नहीं मैंने चार्जर यहीं पे रखा हुआ, एक सेकंड दो मुझे, चार्जर कनेक्ट नहीं होता है, चलो भाई ठीक है, कंट्रोलर ने फाइनली जवाब दे ही दिया, डिस्चार्ज हो गया, हमेशा लिखाते रहता था लो बैटरी, लेकिन आज जवाब दे ही दिया, नहीं ऐसा नहीं मैं चार्ज में लगा देता हूँ रात में, लेकिन जब तक पूरा डिस्चार्ज ही न कर दूं, मेरे ऐसी कितने लोगों की आदत है कि फोन को सोचते रहते हैं अपन क्या 5% है, अभी भी 5% है ना, ठीक है चार्ज में लगाएंगे,
लेकिन जब तक बैटरी जवाब नहीं ना दे देती, फिर वो फोन की हो चाहे कंट्रोलर की हो, तब तक मैं चार्ज में लगाता नहीं हूँ। बहुत गंदी आदत है मेरी। ड्रू हाथ से मैच फिसल रहा है, पता है ना, रॉक के पास फिनिशर भी आ चुका है और एक फिनिशर लगाएंगे रॉक और ड्रू की रेजिलेंस चली जाएगी। ठीक है ठीक है, ड्रू सिग्नेचर अभी अपना लगाओ जस्ट। अरे सिग्नेचर लगाने के टाइम पे वेपन लेने चले गए। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल नहीं मिला, अब ये भी नहीं मिलेगा अगर यही चलते रहा तो। चेयर लेके आए, अगर कनेक्ट हुआ तो सही है। ड्रू सॉरी मैंने डाउट किया, लेकिन अभी तक सही जा रहे हो, बस बार बार मत मारना, वेपन फेंको और 3-2-1 करने का डायरेक्ट खतरनाक ड्रू पे। अरे सॉरी, दो बार मैं सॉरी बोलूंगा ड्रू, क्योंकि मैंने शक किया था, लेकिन बहुत सही जा रहे हो। सिग्नेचर भी अपना चिपका दिया रॉक को, रॉक को लपेटने वाले, रॉक की रेजिलेंस गई। 3-2-1 कनेक्ट हुआ, रॉक की रेजिलेंस गई भाई। फाइनल बॉस तो सेमीफाइनल मैच तक पहुंच नहीं पाएंगे, रेजिलेंस जाने वाली है। रॉक ने बचा लिया गलत टाइम पे। ड्रू किस्मत खराब है, अब क्या करोगे, लेकिन चलो अच्छा ही है, दोनों के पास एक एक फिनिशर है। रॉक के पास अभी भी सेकंड फिनिशर नहीं आया है, लेकिन रॉक अब इरादे में कि भाई रॉक बॉटम लगाएंगे। और ड्रू की रेजिलेंस मीटर नहीं है ड्रू के पास। अरे कांड हो सकता है, हो सकता है बिना रेजिलेंस यूज किए ड्रू का टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाए। रॉक सर आप वेपन यूज नहीं करोगे? दो ही वेपन इस मैच में यूज हुआ, केंडो स्टिक और चेयर। रॉक पता है पीपल्स एल्बो लगाने के चक्कर में थे, लेकिन ओके रॉक के पास दो फिनिशर एक सिग्नेचर और स्टंट है ड्रू मैकइंटायर। अरे अभी रे 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 कांड हो गया, पीपल्स एल्बो। अरे वाह ये ग्लिच ठीक कर दिया टूके ने, वाह टूके इतने भी आलसी नहीं है। रॉक के हाथ में जब बैंड नहीं भी रहता था ना, तब भी रॉक बैंड फेंकने का इशारा करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई इशारा नहीं किया। यानी कि रॉक को थोड़ा सा तो अपडेट किया है टूके ने, कि अगर रॉक को ऐसा अटायर दोगे जिसमें रॉक के हाथ में बैंड वैंड नहीं है, तो वो फेंकने का इशारा नहीं करेंगे। वैसे ड्रू की भी दाद देनी पड़ेगी, पीपल्स एल्बो लगने के बाद भी रेजिलेंस मीटर नहीं था ड्रू के पास और वो बच गए। पर रॉक रिवर्स पे रिवर्स किए जा रहे हैं, ड्रू की गलती नहीं है, रॉक ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, फिलहाल तो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। ऐसे दोनों के पास एक एक फिनिशर है, रॉक के पास ना एक सिग्नेचर भी है, तो ड्रू थोड़ी सी गलती करोगे और फाइनल बॉस चले जाएंगे भाई सेमीफाइनल मैच में, और उसके बाद फाइनल में भी जा सकते हैं। ड्रू बाहर पिनफॉल सबमिशन नहीं होगा, लेकिन ठीक है चलो मार मार के अपना सिग्नेचर ला सकते हो, दिक्कत क्या है, सही जा रहे हो अभी तक। अच्छा देख रहे हो अभी तक जबकि अच्छा खासा लंबा मैच चल गया है और ये नो होल्ड बार्ड मैच भी था, लेकिन दोनों में से किसी का भी खून नहीं निकला यार। एक आदमी का तो कम से कम निकलना चाहिए था, जस्टिफाई होना चाहिए कि ये एक नो होल्ड बार्ड मैच है। ड्रू मैकइंटायर खुद भी बेहोश हो गए, दोनों की बॉडी लाल, हेड येलो, ऑलमोस्ट हेल्थ भी सेम ही है दोनों की, और दोनों ही में से अब किसी के पास सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि रॉक ने अपना मोमेंटम बर्बाद कर दिया उठने में। ड्रू अंदर लेकर जाने का क्या लोगे, दोनों अंदर जाओ ताकि पिनफॉल सबमिशन होना स्टार्ट हो। ड्रू अब क्या वेपन, कोई खतरनाक? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, एटलीस्ट कुछ नया तो निकाला, आप पिछले साली वाला है, लेकिन फिर भी कैंडो स्टिक और चेयर से बेटर है। मार के तोड़ना है ड्रू, ठीक है इतना मारना कि अरे रे रे रे। पूरी तरह से टूटता नहीं है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। रॉक सर अभी तो आए थे ड्रू मैकइंटायर और आप रिंग के नीचे, इतना घूमने का क्या शौक है? रॉक का भी सिग्नेचर आने वाला है, दोनों ही ऑलमोस्ट बराबरी पे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जिसने अपना सिग्नेचर फिनिशर पहले लगाना चालू किया ना, वो जीत रहा है। दोनों का मोमेंटम, दोनों की हेल्थ, दोनों का फिनिशर ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि दोनों ही पास जीत। अरे ड्रू ये क्या कर दिया, ड्रू सिग्नेचर अपना वेस्ट कर दिया अपर हैंड गेन करने के चक्कर में। सिग्नेचर बचा के रखना चाहिए था, ये सिग्नेचर ना जीत और हार का फैसला कर सकता था। अगर ड्रू अपना सिग्नेचर देके पिनफॉल कर लेते, रॉक की रेजिलेंस जाती और उसके बाद एक फिनिशर देकर जीत सकते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। ड्रू यहां पर मारने से कोई फायदा नहीं है, पता है ना, अगर रिंग के अंदर नहीं ले जा रहे हो तो यहां मार के कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल रॉक ने लपेट लिया है सिग्नेचर शार्प शूटर। ड्रू बेवकूफी मत करना, रेजिलेंस यूज करने की बेवकूफी जो कर दी है ड्रू ने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो 99% हार गए ड्रू, अब रिंग के अंदर जाकर डायरेक्टली फिनिशर लगाकर रॉक की रेजिलेंसी अगर नहीं खत्म करते हैं तो ड्रू के हाथ से मैच गया है, क्योंकि रॉक के पास देख रहे हो ना दो दो फिनिशर है। ड्रू गलत गलत जगह दौड़ाना बंद करो, और अच्छी बात यह है ना कि रॉक का खून निकल गया। चलो एटलीस्ट लग रहा है कि नो होल्ड्स बार्ड मैच है, वैसे और वेपन यूज होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ठीक है चलो काम चला लेंगे। रॉक सर केंडो स्टिक हाथ में रखना और बाहर मत आना, बाहर मत आना। ड्रू अंदर काय को नहीं जाते हो, अंदर ही अच्छा अच्छा कर रहे हो, ठीक है अपने लिए सेफ्टी वाला काम कर रहे हो अंदर नहीं जाकर, लेकिन कब तक ऐसे बाहर खड़े रहोगे? पिनफॉल सबमिशन करवाने के लिए अंदर तो जाना होगा ही, मार मार के हॉकी स्टिक भी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। रॉक जीत रहे हैं भाई ये मैच, ड्रू की बॉडी लाल, हेड ऑरेंज, और सिर्फ एक फिनिशर देना है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है
कि बिना फिनिशर दिए रॉक पिनफॉल करे और खेल हो जाए ड्रू का। सर एक पीपल्स एल्बो, अरे ड्रू बाहर मत जाना, बहुत बाहर बाहर का खेल कर रहे भाई। नेक्स्ट मैच अब तो मैंने सोचा ही था फॉल्स कॉन्ड एनीवेयर, लेकिन अब तो पक्का फॉल्स कॉन्ड एनीवेयर, ताकि रिंग के बाहर भी रोमन और सीना जाए। क्लेमोर किक, चलो बढ़िया, रॉक की भी रेजिलेंस गई। मैच ड्रॉ अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ड्रू के पास एडवांटेज नहीं है। चलो फिलहाल दोनों एक ही बराबर हैं, लेकिन रॉक के पास ना दो दो फिनिशर हैं और ड्रू मैकइंटायर बेवकूफी किए जा रहे हैं। वेपन नहीं लाना चाहिए अभी, इसके चक्कर में फिनिशर लग जाता है। तो अच्छा भाई कि रॉक के पास स्पीयर वाला फिनिशर नहीं है, डेफिनेटली अभी ड्रू को लगता है स्पीयर। वैसे अभी भी ड्रू का गया भाई, गया, खेल हो गया। रॉक सर पिनफॉल करवा लो, ड्रू ने अपनी एबिलिटी यूज करी लेकिन रॉक ने भी दिमाग लगा दिया, पिनफॉल कर ही लिया है। ड्रू किक आउट कर सकते हो। फाइनल बॉस सेमीफाइनल मैच में पहुंच गए, कोडी रोड्स के टाइटल के लिए आ रहे हैं फाइनल बॉस। कांग्रेचुलेशंस, क्या कर लिया ड्रू। तो इसके बाद जो मैच है, ओ भाई दिल थाम के मैं बैठा उस मैच को देखने के लिए, क्योंकि वो मैच है मेरे फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना और बहुत लोगों की फेवरेट सुपरस्टार द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बीच में। और अगर देखो स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो रोमन को बदला लेना है, लेकिन रॉक वर्सेस सीना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोल, रॉक वर्सेस रोमन भी अच्छा है, लेकिन अभी रियल लाइफ में भी रॉक और सीना फेस टू फेस आए थे ना, तो उस हिसाब से रॉक वर्सेस सीना होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सीना जीतना, बाकी देख लेते भाई। टूके ने तो सीना के साथ बहुत ज्यादती की, अब पता नहीं सीना रोमन से कैसे जीतेंगे, खास करके जो नया अपडेट आया है जिसके बाद रोमन किकआउट पे किकआउट करते जा रहे हैं। तो चलो ये एक फॉल्स कॉन्ड एनीवेयर मैच है, इस मैच में जीतने वाला कोडी रोड्स के टाइटल के और नजदीक पहुंच जाएगा, सेमीफाइनल मैच में जाके ज्वाइन करेगा फाइनल बॉस को। सीना इस मैच में अगर जीत जाओगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि टूके ने फाइनली मेरी सुन ली है और सीना को अच्छा बना दिया, लेकिन मुझे हाईली डाउट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और कोई होता तो शायद सीना जीत जाते, लेकिन रोमन को भी नया अपडेट के साथ ना टूके ने और ज्यादा अच्छा बना दिया। और फेल आर्मी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना, नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और फॉल्स पॉइंट एनीवेयर मैच है तो देखो रिंग के बाहर जाकर एक दूसरे की धुलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेपन्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं आई थिंक, हाँ नहीं नहीं डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सीना का अपर हैंड जा रहा है, सीना मैं नजर नहीं लगाऊंगा, सही जा रहे हो अभी अभी तक, सही जा रहे हो। देखो रॉक वर्सेस रोमन भी अच्छा है, लेकिन दोनों हील सुपरस्टार, ठीक है अगर रॉक फेस सुपरस्टार रहते तो चलेगा चलेगा, जो भी जीते अब क्या कर सकते हैं भाई। सीना मार मत खाने लगना, मतलब अगर हारना भी तो बुरा तब नहीं लगेगा जब बराबरी का मैच होगा, ऐसा मत हारना कि भाई देखकर अफसोस हो जाए, जो कि ज्यादातर अफसोस हो जाता है। तो सीना प्लीज ये काम मत करना, जीतो तो बहुत अच्छी बात है पर हारना तो बुरी तरह से मत हारना। देखो रोमन ने मारना चालू कर दिया, सीना पहले मार रहे थे फिर भी रोमन की हेल्थ ज्यादा कैसे है। रोमन ने अब कुटाई चालू कर दी भाई, अब धीरे धीरे सिग्नेचर भी आने वाला है रोमन का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले सिग्नेचर रोमन ही का आएगा, फुल हेल्थ कर लिया रोमन ने, हाँ मतलब थोड़ा तो रोमन वी द वंस दिखा रहे थे। सबमिशन चिपका दिया है, नॉर्मल सबमिशन, लेकिन इससे क्या हुआ कि सीना का हेड येल्लो हो गया है और रोमन की फुल हेल्थ है। सीना पीछे नहीं होना, बैक डाउन नहीं करना, आज पिनफॉल काय को कर रहे हो, रोमन को फालतू का मोमेंटम भी दे दिया। वाह वाह वाह, सिग्नेचर आने ही वाला है ट्राइबल चीफ के पास। रोमन इतना दौड़ाए क्यों जा रहे हो, दौड़ाने से क्या हो रहा है, यहाँ सीना की हेल्थ जा रही है लेकिन रोमन को कोई फायदा नहीं हो रहा है ज्यादा, क्योंकि मारने से आता है मोमेंटम, मतलब सिग्नेचर या फिनिशर। लो भाई रोमन ने मेरी सुन ली है और मारना चालू कर दिया है, अब हाथ का नंबर है सीना का, लगता है रोमन अब हाथ भी येल्लो करेंगे। रोमन वेपन निकालने चले गए, मैं मजाक कर रहा था, डिस्क्वालिफिकेशन है, नहीं 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 भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, चेयर फेंक के मारा, लेकिन सीना की किस्मत अच्छी थी कि उतना दूर तक चेयर गया नहीं। नहीं अरीना तो टूके ने अपडेट करना चालू कर दिया भाई, लेकिन फास्टलेन जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे गाड़ी चलती रहती ना, मोशन रहता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलेगा चलेगा, एटलीस्ट इतना भी अपडेट कर दिया, टूके का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि टूके सेम टू सेम भी गेम दे देंगे तो भाई खरीदना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। रोमन का सुपरमैन पंच छीन लिया सीना, ये मैं अच्छा साइन मान के चलूंगा, ठीक है। रोमन का सिग्नेचर छीना वो भी स्टार्टिंग में, तो अब सीना का पहला सिग्नेचर देना बनता है, सीना एससीएफ वाला सिग्नेचर लगाना जिससे रोमन की हेल्थ ज्यादा जाए। फॉल्स कॉन्ट एनीवेयर मैच है तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिंग के अंदर नहीं जा सकते हो, रिंग के अंदर जाना पाप नहीं है, तो रिंग के अंदर जा सकते हो दोनों, ठीक है। फॉल्स कॉन्ट एनीवेयर मैच, उसको जस्टिफाई करना है। रिंग के नीचे सीना का ये सिग्नेचर था भाई भाई भाई, सिग्नेचर कनेक्ट कर दिया है, अभी तक सही जा रहा है, पर रोमन जो इतने इतना किकआउट करते हैं ना,
बस उसी से मुझे डर है। सीधा अभी नहीं लगाना चाहिए था फिनिशर, बैक टू बैक। चलो फाइनली क्या सीना का सिग्नेचर फिनिशर, टूके ने सुन नहीं सुनिए भाई, नहीं सुनिए, ऊपर से रोमन भी है ना, रोमन समझ रहे हो ना, और पिटाई चालू। सिग्नेचर छीना था रोमन ने, डायरेक्टली फिनिशर ही छीन लिया, और अब रोमन के पास धीरे धीरे फिनिशर आने लगा है। ऐसे रोमन की बॉडी येल्लो, हेड येल्लो, तो अभी भी देखा जाए तो सीना ही अपर हैंड सीना के पास है, ज्यादा मारा सीना ने, पर रोमन के पास बस फिनिशर आने ही वाला है। जंपिंग क्लोज लाइन, रोमन नॉर्मली वाला मार देते, हाथ के पीछे क्यों पड़े हुए हो रोमन? शायद रोमन को ये याद आ गया होगा कि सीना जब रेसलमेनिया में आए थे इस साल, तो रोमन को भी एक ये लगा दिया था। मुझे नहीं लगा था कि सीना रोमन को ये लगाएंगे, क्योंकि जब अंडरटेकर सर आए तो उन्होंने सिर्फ रॉक को चॉक स्लैम लगाया, रोमन को कुछ नहीं किया था, लेकिन सीना ने रोमन को भी एक ये चिपका दिया। सोच के देखो कि इस साल का अगर रेसलमेनिया जब होता और सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता, कोई भी अपने को कुछ नहीं पता रहता कि क्या होने वाला है, कि और सुपरस्टार्स आएंगे, तब कैसा लगता मैच। इस बार तो सब पता ही था और गेस हमने कर ही लिया था, सोशल मीडिया रिपोर्ट आ ही गई थी, मैंने खुद न्यूज दे दी थी कि जॉन सीना आ रहे, स्टोन कोल्ड आ रहे हैं। चलो स्टोन कोल्ड नहीं आए, लेकिन पता तो था ही कि ब्लड लाइन के मैच में सब कोई आएंगे। पर जब जैसे हम लोग पहले देखते थे मैच, बहुत साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था, मतलब हाँ सोशल मीडिया, लेकिन ऐसी कोई न्यूज बाहर नहीं आती थी, या शायद आती होगी लेकिन हम इंडियंस उतना इन्वॉल्व नहीं हुए थे सोशल मीडिया में, तो एक अलग ही मजा था भाई उस टाइम मैच देखने का। क्योंकि टेकर सर के जब स्ट्रीक खत्म हुआ था, दूर दूर तक कोई न्यूज नहीं थी। रोमन के पास फिलहाल सिग्नेचर फिनिशर दोनों आ चुका है, और रॉक जब सीना से फर्स्ट टाइम हारे थे, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा क्या रे रॉक आए, हॉलीवुड स्टार है, और जैसे अभी रोमन है ना, वैसे ही उस टाइम सीना थे सबसे टॉप सुपरस्टार, तो रॉक के आने का मतलब है कि कौन जीतेगा, ऑब्वियसली सीना जीतेंगे। लेकिन द रॉक ने फर्स्ट टाइम में कांड कर दिया था, रोमन वापस जा रहे थे, सीना जाने की क्या जरूरत थी, रोमन की बॉडी लाल कर दी थी सीना ने, रेजिलेंस नहीं, बिना रेजिलेंस के किक आउट कराया सीना ने भी। लेकिन सीना की बॉडी येल्लो, हाथ येल्लो, हेड ऑरेंज, सीना का पैर क्यों छोड़ दिया रोमन, उसको भी मार मार के डैमेज कर ही देते। नहीं नहीं नहीं, पैर को भी डैमेज कर, मजाक कर रहा हूं, मत कर देना, क्या निकालने के। हाँ ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वेपन्स कोई नए क्यों नहीं रहते रिंग के नीचे, टेबल रहे, डस्टबिन रहे, या हमेशा केंडो स्टिक और चेयर ही क्यों रहता है। चलो सीना ने चेयर उठा ही लिया, लेकिन जब तक फिनिशर नहीं दोगे, मुझे नहीं लगता कि रोमन की रेजिलेंस जाएगी, और वही मैटर करता है कि जो पहले अपने अपोनेंट का रेजिलेंस खत्म करवा दे, फिर एक एडवांटेज आ जाता है ना, कि हो सकता है ऐसा हो कि बिना फिनिशर दिए पिनफॉल करवा सकते हो, या नॉर्मल सबमिशन से टैप आउट करवा सकते हो। जब तक रेजिलेंस रहती है ना, तो आस बनी रहती है कि हाँ कुछ भी मूव लग जाए, एक बार तो कम से कम बचा ही लेगा आपका फेवरेट सुपरस्टार। लेकिन रेजिलेंस गई तो वो उम्मीद लगभग चली जाती है, बहुत कम ही लोग हैं जो रेजिलेंस जाने के बाद कमबैक कर पाते हैं। सीना सिग्नेचर सही से यूज करना, जैसे लास्ट टाइम यूज करा था, अभी रोमन की रेजिलेंस यूज करवा सकते हो अगर सिग्नेचर लगा दिया तो। ये देख लो फिर दौड़ाना, चलो रोमन बार बार, अच्छा स्टील स्टेप्स पे पटकना चाह रहे, ओके अब मैं समझा रोमन का प्लान, इधर उधर फेंक फेंक के सीना को डैमेज किए जा रहे हैं। पिनफॉल तो नहीं होगा रोमन, अभी रेजिलेंस भी जाएगी नहीं, ऐसा लगा मुझे थ्री हो गया भाई, मैं हिलने वाला था, क्योंकि रेजिलेंस रख के स्टील स्टेप्स पे टकराने से तीन हो जाता, तो मैं ये वाले सीना को तो डेफिनेटली लेना बंद कर देता। कोई और सीना, तीन चार दिए ना, उनमें से कोई एक लेता भाई, चार पांच दिए एक्चुअली सीना। सीना यही मेन गलती कर रहे हो, जो सिग्नेचर अपना बचा, अरे रे रे रे, बचा ही के रखते तो वो बेटर था, मोमेंटम वेस्ट करवाने का फायदा क्या हुआ, रोमन फिर पिनफॉल करवाने लगे। एक तो रोमन पिनफॉल करवा के ना सीना को, अरे ये बार बार जो रोमन पिनफॉल करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सीना के साथ आज झोल होने वाला है भाई। नॉर्मली पिनफॉल हो जाएगा, सीना अपनी रेजिलेंस भी बचा के रखे रहेंगे और उसके साथ पिनफॉल करवा लेंगे, और मैं फ्रस्ट्रेट होते रह जाऊंगा। सीना सेमीफाइनल मैच में जाना है, रॉक वर्सेस सीना, रियल लाइफ में तीसरा मैच कब होगा ये नहीं पता, लेकिन गेम के अंदर अभी हो सकता है। बस स्ट्राइक, अरे पैर भी येलो कर दिया सीना का, मैंने अभी देखा पूरी बॉडी को पेंट कर दी रोमन ने। रोमन रेसलमेनिया का इंटरफेरेंस का बदला अभी ले रहे हो, अब पूरा बॉडी मार मार के लाल करना है क्या भाई, ये एक अलग हो जाएगा पता है। फिलहाल सीना की बॉडी ऑरेंज, हेड ऑरेंज, हाथ येल्लो और पैर येल्लो, कब ऐसा देखते हो आप लोग, और अब हेड लाल हो गया, वाह वाह वाह, रोमन को ज्यादा ही नहीं मार दिया है। सीना का सिग्नेचर के नाम पे कुछ नहीं है, रोमन को ऑलमोस्ट सिग्नेचर आने वाला है, सीना स्टंड, बाप रे बाप, कंटिन्यूअसली मैं मार खाते हुए देख रहा हूँ एक दो मिनट से शायद। सीना कुछ ट्राई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोमन को रेसलमेनिया याद आ रहा है, रेसलमेनिया 40 इंटरफेरेंस, रोमन को ए, इस चीज का बदला लेकर आएंगे रोमन आज।
सीना देखो मार खाते रहो ठीक है, लेकिन जब मेन सिग्नेचर फिनिशर लगेगा ना उसको रिवर्स कर देना, उसको रिवर्स कर दोगे तो जीत जाओगे। देखो रोमन का फिनिशर आ गया, सिग्नेचर भी आ गया, सीना क्यों इतना मार खाने के बाद रेजिलियंस गई सीना की। चलो भाई मैं बोलता हूँ ना, एक उम्मीद जो रहती है वो अब जा चुकी है, क्योंकि रोमन के पास दो दो फिनिशर और रिवर्स पे रिवर्स किए जा रहे हैं, और सीना गलती से कुछ रिवर्स भी करने का ट्राई कर रहे हैं, रोमन सारी कोशिशों को फेल कर दे रहे। रोमन इतना नहीं मारना है, खून भी निकाल दिया मार मार के, हेड लाल, बॉडी ऑरेंज, हाथ येलो, पैर येलो। सीना अभी भी किसी तरह रेजिलेंसी यूज करवा दो कंटिन्यूअसली। रोमन को पता नहीं क्या हो गया है भाई, सीना की आज तो गलती नहीं है, क्योंकि देख रहे हो ना सीना अगर रिवर्स भी कर दे रहे तो रोमन बैक टू बैक रिवर्सल चले आ रहा है रोमन का। ये क्या कर रहे हो रोमन, कुछ करने ही नहीं दे रहे भाई सीना को। रोमन इतना गुस्सा, इस तरह से रोमन कुटाई का सिलसिला जारी रखे हैं भाई, लगता नहीं है कि सेमीफाइनल मैच में जाने से पहले रुकने वाले हैं। सीना थोड़ा थोड़ा कम मार खाओ, थोड़ा कम मार खाओ अच्छा लगेगा। स्टंड होने वाले हैं, सीना मार खा खा के स्टंड हो गए, बॉडी लाल है, हेड लाल, पूरा बॉडी पार्ट आज डैमेज कर देना है। रोमन ने कसम खा ली है भाई, लोग मैं लिख के दे रहा हूँ, हाथ पैर अब डैमेज करना चालू करेंगे। ये देख लो क्या कर रहे हैं रोमन, पैर डैमेज करना। रोमन को क्या हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है भाई, कुछ हो गया है रोमन को, पैर ऑरेंज कर दिया भाई साहब, ये मैच इतिहास में जाएगा, आज पूरा बॉडी लाल करना है। ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन AI ये काम कैसे कर रहा है, इतना सोच सोच के कैसे मार रहा है कि कौन सा बॉडी पार्ट बचा हुआ। और सीना मार खाने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई, पिनफॉल तो होना ही है, कोई नहीं बचा सकता है, किक आउट कर देते तो मैं शॉक होता, इतना मारा है रोमन ने, बॉडी लाल, हेड लाल, और पता नहीं पैर ऑरेंज, हाथ येलो। आठ जीबी का जो अपडेट डाला है 2K ने, भाई 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 देख लिया ना, रोमन को पता नहीं क्या हो गया है। एक तो कल के भी मैच में रोमन ने बहुत खतरनाक किक आउट किया था, आज के मैच में किक आउट नहीं किया, लेकिन आज का मैच जो दिया है रोमन ने, बाप रे। और ये रोमन वर्सेस रॉक इसीलिए और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि रॉक की अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो चलिए फिलहाल मैं मिलता हूँ कल, तब तक जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, नया तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।